जनपद बिजनौर डीएम व एसपी ने नहटौर में बने बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। जनपद बिजनौर में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिलाधिकारी बिजनौर व पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने नगर में बने मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और उनके संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार को जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहटौर नगर के अंतर्गत श्याम नारायण स्मारक इंटर कॉलेज, एचएमआई इंटर कॉलेज, जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहित नगर क्षेत्र में बने बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान भवन, शौचालय, लाइट, पानी, मतदाता के बूथों पर पहुंचने का मार्ग, खिड़की आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करके उनके व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनपद में अति संवेदनशील बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही संचालकों को कुछ बूथों पर व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी, सीओ धामपुर सर्वम सिंह, कोतवाल धर्मेंद्र सिंह, कानून गौ खचेड़ू सिंह, लेखपाल ब्रह्म सिंह रवि, वरिष्ठ लिपिक विशेष शर्मा सहित आदि नगर पालिक कर्मचारी व पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ नहटौर से मोहम्मद फैजान। सर, आज बुधवार निरीक्षण किया गया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत। आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा समस्त टीम मेंबर्स के साथ बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी हमारे बूथ ऐसे जहां पे एक जगह पे कई सारे बूथ हैं, जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ हैं, इन बूथों का लगातार हम लोग भ्रमण करके इनका निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं। खासतौर पे यहाँ पे पर्याप्त फर्नीचर, लाइट की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, शौचालय पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे नहटौर में आज नहीं है, बाकी कहीं और भी है। आज नहटौर के अलावा अन्य जगह भी हम लोगों का भ्रमण प्रस्तावित है, नगीना साइड भी, नजीबाबाद साइड भी हम लोग जाएंगे। थैंक यू। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।